अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44। मैं हूं भावना आपके साथ। राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में तेजी से डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वेक्टर जनित बीमारी के मामलों, खासकर डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों को अपने 10-15% बेड्स को डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित करने को कहा है। वहीं यूपी सरकार ने भी डेंगू को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मॉनसून के बाद डेंगू के मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी होती है, लेकिन कुछ टिप्स की मदद से डेंगू से बचा जा सकता है। आज हम आपको उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनको अपनी डाइट में शामिल करना इस बीमारी में मददगार साबित हो सकता है। नारियल पानी में कई पौष्टिक तत्व होते हैं, डेंगू से आपको बचाने में भी ये मदद करता है। डेंगू के दौरान शरीर में पानी की कमी होती है, ऐसे में बॉडी को हाइड्रेट करना जरूरी होता है। इसमें नारियल पानी काफी फायदेमंद साबित होता है। नारियल पानी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में लिक्विड पदार्थों को रेगुलेट करते हैं और टॉक्सिकेंट्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ऑरेंज यानी संतरा कई लोगों का पसंदीदा फल होता है। ये विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसमें फाइबर के साथ साथ विटामिन सी होता है। डेंगू से बचाव में भी ये रामबाण का काम करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व डेंगू से रिकवर करने में भी काफी मदद करते हैं। डॉक्टर्स भी डेंगू के मरीज को संतरा खाने की सलाह देते हैं। डेंगू से लड़ने में अनार भी काफी कारगर साबित होता है। लाल दानों वाला ये पौष्टिक फल आयरन से भरपूर होता है, जो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट को बनाए रखने में मदद करता है। अनार आपको डेंगू से बचाता है, साथ ही डेंगू से ग्रस्त लोगों को फास्ट रिकवरी रेट भी देता है। पपीते की पत्तियां और बीज भी इस बीमारी में काफी फायदेमंद होते हैं। डेंगू के मरीज को पपीते की पत्तियां और बीज खाने की सलाह दी जाती है। पपीते के पत्तों और बीजों से निकाला गया रस इस वायरस के मरीजों को काफी लाभ पहुंचाता है। इन्हें पीस कर भी खाया जा सकता है। ये ब्लड प्लेटलेट्स बनाने में मदद करता है। आजकल इनसे बनी दवाएं भी आने लगी हैं। हरा पालक सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। पालक खाने से डेंगू से लड़ने में भी मदद मिलती है। इसमें विटामिन, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इन सभी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से डेंगू जैसी बीमारी से तो बचा ही जा सकता है, साथ ही शरीर को काफी फायदा भी पहुंचता है। ऐसी और फायदेमंद जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज 44 के साथ। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।